नमस्कार। मनुष्य के भूख की चिंता सदियों से समाज सुधारकों, विचारकों और विद्वानों को रही है, और वे समय समय पर इस समस्या के समाधान हेतु राह भी बताए हैं। पहले राजा महाराजाओं द्वारा संचालित शासन व्यवस्था थी, फिर पूंजीवाद व्यवस्था आई और पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में कार्ल मार्क्स का साम्यवादी व्यवस्था आई और हमारे नेताओं ने मिश्रित व्यवस्था अपनाई। लेकिन अफसोस, विश्व की प्रचलित सभी व्यवस्थाएं, दर्शन मनुष्य के सर्वांगीण विकास में असफल रहा। हमारे आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को बेबस है। उनके पास रहने को घर नहीं, खाने को अन्न नहीं, तन पे कपड़ा नहीं। करोड़ों लोग अशिक्षित हैं और जिन्हें शिक्षित कहा भी जा रहा है वे भी बेरोजगार घूम रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कोई स्वस्थ नहीं, कोई निरोग नहीं है। देश ही नहीं, विश्व की इस परिस्थिति को बदलनी होगी। पहले गुलामी और फिर नेताओं के चलते हमारा 30,000 साल पुरानी समृद्ध संस्कृति जो नष्ट हो चुका है, उसे पुनः गौरव के शिखर पर पहुंचाना होगा, उसे और भी पुष्ट करना होगा। और ये सब तब संभव है जब हम आनंद मार्गदर्शन के प्रणेता, युग दृष्टा, महान मनीषी श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा प्रतिपादित प्रौत दर्शन अपनाते हैं। प्रौत व्यवस्था लागू होते ही समाज एवं देश की दिशा बदल जाएगी। हम एक बार पुनः विश्व गुरु बन जाएंगे, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। और हमारे यहाँ की जो पुरानी कहावत थी, डग डग रोटी पग पग नीर वाली कहावत भी चरितार्थ हो जाएगी। तो आइए हम सब सत्ता परिवर्तन को छोड़ व्यवस्था परिवर्तन की आवाज़ बुलंद करें। धन्यवाद।